Hello everyone. Today I'm starting revision worksheet for Real English. Right? I had already sent you the previous shooted videos, and just go through that videos and check whole the chapter because it is revised in detail. वहाँ पे explain बहुत detail में किया गया है. So just go through it and now I'm explaining you the meanings again. Persia, former name of Iran. Iran country जो है अभी का, जिसका पहला नाम मतलब इसके पहले Persia कहा जाता था. Coward, coward मतलब कायर. A person without courage, जिस person में हिम्मत नहीं है उसे coward कहते हैं, कायर. Merchants, merchant means wholesale trader. होलसेल ट्रेडर वो होता है जो कोई भी सामान बल्क में लेके, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लेके, फिर रिटेलर्स को डिस्ट्रीब्यूट करे, मतलब छोटे छोटे ग्राहकों, मतलब छोटे छोटे जो शॉपकीपर्स होते हैं उनको बेचे, उन्हें होलसेल ट्रेडर्स कहते हैं. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मर्चेंट्स. डिस्पाइस, डिस्पाइस मतलब किसी के लिए हमारी स्ट्रांग डिसएग्रीमेंट्स हो. जैसे फॉर एग्जांपल कोई हमें पसंद नहीं है, कोई इंसान हमें अच्छा नहीं लगता, या फिर किसी भी सिचुएशन पे हमारा डिसलाइक हो. जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोरोना पे हमारा बहुत ज्यादा डिस्पाइस है. सो डिस्पाइस मींस फील अ स्ट्रांग डिसलाइक फॉर समथिंग और समवन. बेस, बेस मींस नॉट हैविंग एनी मोरल्स, मतलब कि जिसको अपने कोई उसूल ना हो, जो बंदा बिना उसूल के रहता हो. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम किसी से भी धोखा करेंगे, या फिर किसी से भी हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें हम अगर अपना बेस ही नहीं रखेंगे, हम उसमें कोई मॉरल वैल्यूज ही नहीं रखेंगे, तो वो चीज इट इज नॉट वर्थ. वो चीज हमें आगे जाके परेशान कर ही सकती है. हम अपने उसूलों पे अगर कायम रहे तो दैट थिंग्स लीड्स अस सक्सेस, वो चीज हमें सक्सेस की ओर लेके जा सकती है. सो बेस इज नॉट हैविंग एनी मोरल्स. स्वूप डाउन, स्वूप डाउन इज स्वूप्ड इज पास्ट टेंस. स्वूप्ड डाउन, स्वूप इज पास्ट टेंस ऑफ स्वैप, और इसका मतलब होता है मेरर मेड अ रैपिड सरप्राइज अटैक. कई बार जैसे फॉर एग्जांपल अपना ये उरी अटैक हुआ था, राइट? उरी अटैक जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, दैट इज हमारा स्वूप डाउन था पाकिस्तान के ऊपर. सो सेम, बिना किसी को बताए या फिर बिना किसी को भी इन्फॉर्म किए या उससे पता चले बगैर अटैक करना, राइट? प्रॉमिसिंग, प्रॉमिसिंग मीन्स शोइंग साइन ऑफ सक्सेस. जैसे हमें लगता है कि यहाँ पे बहुत सारी हम जो भी काम कर रहे हैं इसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है. लाइनिंग, अ लेयर ऑफ मटेरियल दैट कवर्स द इनसाइड ऑफ समथिंग. इसमें लाइनिंग ऑफ कैप बोला गया है, तो जो कैप है उसके अंदर एक छुपा, क्या बोलते हैं, चोर खाना बोलते हैं हिंदी में. जैसे उसमें कोई चीजें छुपा सकते हैं, ऐसी कोई चीजें अगर बनाई गई हो तो दैट पर्टिकुलर मटेरियल इज कॉल्ड लाइनिंग. अ लेयर ऑफ मटेरियल दैट कवर्स द इनसाइड ऑफ समथिंग. कई बार अगर आपने दादाजी की बनियान देखी हो तो बनियान के अंदर छोटा सा एक पॉकेट जैसा होता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लाइनिंग. वो भी एक कोई भी चीज अंदर रखने के लिए हो सकती है. स्ट्रक, स्ट्रक इज पास्ट टेंस फॉर स्ट्राइक. स्ट्राइक मतलब हमें ऐसा जैसे तुरंत से हमें कोई चीज सूझ जाती है. वी स्ट्राइक एन आइडिया, लाइक हमें कोई एक आइडिया आया, ऐसा किसी भी चीज को सोचने पर मजबूर करना, राइट? वी स्ट्राइक एन आइडिया. सो स्ट्रक इज द पास्ट टेंस फॉर स्ट्राइक. सक्सीडेड, सक्सीडेड
मीन्स जो भी कर रहे हो उसका नेक्स्ट वाला। जैसे फॉर एग्जाम्पल कई बार हमें आता है हु इज द सक्सेडेड किंग ऑफ अकबर, अकबर के बाद वाला राजा कौन सा था, बादशाह कौन सा था, सो दैट पर्सन इज कॉल्ड सक्सेडेड। टुक जॉब आफ्टर समवन, मतलब कोई अगर एक काम कर रहा है और उसके बाद उस जॉब को लेना, राइट, दैट इज कॉल्ड सक्सेडेड। होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। विद दिस आई लर्न दिस क्लास एंड यू हैव टू रिवाइज एंड राइट मीनिंग्स इन योर वर्कशीट, राइट। दोज हु हैव नॉट कलेक्टेड वर्कशीट, जस्ट गो एंड टेक इट फ्रॉम स्कूल। बाय।